तो दोस्तों आज के वीडियो में आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं एक यूनिक सी रेसिपी। तो ये आप देख सकते हैं कद्दू की फूल अभी हम तोड़ रहे हैं, जो मीठा वाला कद्दू आप खाते हैं बाजार से खरीद के उसी का ये फूल है। तो अभी हम क्या करेंगे, फूल को पहले काट लेंगे। तो इसके नीचे का हिस्सा हमें काट के फेंकना है और ऊपर का सिर्फ फूल हमें रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमें सारे काट लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम नीचे का हिस्सा फेंक देंगे और सिर्फ ऊपर से फूल ही हमें लेना है कद्दू के। तो इससे हम बनाएंगे पकोड़े, और इसका जो पकोड़े हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो अभी हमें क्या करना है, चावल पीस लेना है। तो मिक्सी में देख सकते हैं अभी हम चावल पीस रहे हैं। चावल बिल्कुल आटे के जैसा ही पीस लेना है, एकदम बारीक। तो देखिए चावल भी पीस चुका है। अभी हमें क्या करना है, चावल निकाल के एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। तो देखिए एकदम बारीक हमने पीसा है चावल, इसी तरीके से पीस लेना है। इससे क्या होगा, चावल के आटे से हम पकौड़े आज बनाने वाले, चावल के आटा और कद्दू की फूल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से एक बार आपने बना के खाया तो ये इसी तरीके की रेसिपी आप बार बार बना के खाएंगे। हालांकि इसका फूल आसानी से मिलता नहीं है, गांव साइड में तो मिल जाता है, बट शहर में अगर आप रहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको ढूंढना। आजकल तो वैसे शहरों में भी मिलने लगा है ये सब चीज़ें भी। तो देखिए अभी हमारा सारा कुछ तैयार है। कद्दू की फूल हमने काट के अच्छे से धो लिया, और ये है चावल की आटा, एक बर्तन में रख लेते हैं और इसमें अभी मसाला वगैरह डाल के फिर इसमें पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने इसमें मिर्ची डाला, उसके बाद धनिया, तो ऐसे बारी बारी से नमक, बारी बारी से सारी चीज़ें हमें डाल लेना। ये हल्दी है और थोड़ा सा इसमें हमने अजवाइन डाला है। तो इसमें अभी पानी डाल के हमें इसका घोल बना लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, एकदम बढ़िया तरीके से पानी डाल के इस तरीके से मिक्स करते रहना है हमें। जैसे पकोड़े आप बनाते हैं वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस है। पानी थोड़ा कम रह गया था तो थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया और ये हो गया है अभी बिल्कुल तैयार। तो इसको अभी हम रखते हैं साइड में, और अभी हम सबसे पहले कढ़ाई में कर लेते हैं तेल गरम। तो देख सकते हैं तेल हमने इसमें गरम कर लिया है, और अभी हमें क्या करना है, जो फूल हमने धो के रखा था उसको हमें इस घोल में डाल के तेल के अंदर इस तरीके से रखना है। बस जैसे पकौड़े तलते हैं वैसे ही हमें इसको भी तेल में तल लेना है। तो इस तरीके से हमें सारे इसमें डालना है जितने भी फूल हमने काटा है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये बन के तैयार होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए इस तरीके से सारे फूल हम इसमें लगा के और फिर तेल में डाल देंगे। तो देखिए आधा तो हमने इसमें ऐड कर दिया है, अभी दो चार पीस और इसमें ऐड करेंगे, दो बार में हम इसको बना लेंगे। एक बार में आधा हमारा बन जाएगा, दूसरी बार में बाकी आधा जो बचेगा वो भी हम बना लेंगे। तो पूरा वीडियो देखना, और वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटे से वीडियो में मैं ज़्यादा जानकारी दे दूँगा। तो देखिए दो तीन मिनट हमने इसको ढक के पका लिया, तो इसका एक साइड अभी बन चुका है। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया, इसको पलट दिया। अभी दोबारा से हम इसका ढक्कन लगा देंगे, चार पाँच मिनट के करीब दोबारा से ढक्कन लगा के पकाएंगे इसको। तो दोस्तों देखिए अभी हमने ढक्कन निकाला, एक साइड इसका बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं पकोड़े के जैसा ही एकदम बना है। और अभी दूसरा साइड भी हल्का सा कम हुआ है, तो उसको भी दोबारा से हम थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से बहुत ईजी रेसिपी है, आप भी अपने घर पर बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये। तो अभी ये हमारा हो गया तैयार, इसको अभी हम निकाल के रख देते हैं साइड में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का रेसिपी कमेंट करके बताना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।